सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कल सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी A51 5G और सैमसंग गैलेक्सी A71 5G को लॉन्च कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को क्या क्या चिपसेट देखने को मिलता है, इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या है और ये स्मार्टफोन कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन का बहुत पहले से ही लीक्स निकल के सामने आ रहा था और बताया जा रहा था कि जो सैमसंग गैलेक्सी A51 है और जो सैमसंग गैलेक्सी A71 है इनका एक 5G वेरिएंट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, वैसा ही हुआ और सैमसंग गैलेक्सी A51 5G को चाइना के अंदर कल ही लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेस के बारे में कि इन दोनों स्मार्टफोन को क्या स्पेस देखने को मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी A51 5G में आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। इन्फिनिटी ओसेप में आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले मिलेगा सेंटर में, जिस तरह सैमसंग के A51 में देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A71 5G की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.7 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले यहाँ पर होगा। तो एक नया लाया है प्लस एमोलेड, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और होगा देखने वाले, ये बात होती है। और सेम सैमसंग गैलेक्सी A71 की तरह यहाँ पर आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले मिलेगा सेंटर में, देखने में काफ़ी अच्छा है। दोनों स्मार्टफोन में सैमसंग ने एक ही चिपसेट को इस्तेमाल किया है जो कि है एक्जिनोस का 980, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो चिपसेट है ये बेसिकली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G को टक्कर देने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस इस फ़ोन का काफ़ी कमाल का होगा और आप लोगों को कोई भी दिक्कत डेली टू डे यूजर्स में और एक नॉर्मल यूजर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन में बैक साइड में आप लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है और दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A51 में आप लोगों को मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का आप लोगों को डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का आप लोगों को मैक्रो लेंस। और सेम उसी तरह से सैमसंग गैलेक्सी A71 में भी 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, बाकी तीनों सेंसर दोनों स्मार्टफोन में सेम रहने वाला है। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के ऊपर चलता है और सैमसंग गैलेक्सी A51 5G में आपको मिलता है 4500 mAh की बैटरी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 15 वाट का चार्जर मिलता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A71 5G में आपको मिलता है 4500 mAh की बैटरी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 25 वाट का चार्जर मिलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको 25 वाट का चार्जर मिल रहा है और जो 15 वाट का चार्जर है वो उतना फास्ट नहीं है, उसे आप लोग फास्ट चार्जर नहीं बोल सकते, उसे आप लोग मीडियम चार्जर बोल सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करता है, डुअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करता है, NFC भी सपोर्टेड है। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। और इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास से स्टार्टिंग होते हैं सैमसंग के A51 5G की। देखते हैं कि इंडिया में ये स्मार्टफोन कब तक आएगा। बहुत ही जल्द इन दोनों स्मार्टफोन का रिव्यू वीडियो भी आने वाला, तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोगों को क्या सैमसंग गैलेक्सी A51 और A71 पसंद आया है ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।